हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की महिमा को कौन नहीं जानता। आइए भगवान के नाम की महिमा का हम सब मिलकर गुणगान करें और इस नाम की गंगा में डुबकी लगाकर इससे मिलने वाले फल को प्राप्त करें।
असामि वैकुंठे योगी ना हृदय नज मद भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। भगवान श्री नारद जी से कहते हैं, ओ नारद, आई नाइदर लिव इन वैकुंठ नॉर इन द हार्ट्स ऑफ योगीज, आई रिजाइड एंड स्टे इन द प्रीमिसेस वेयर माय डिवोटीज सिंग सॉन्ग इन माय प्रेज। हे नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। हे नारद, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं उसी जगह पर निवास करता हूँ। नाम संकीर्तन यश्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरि परम। श्लोक भागवत के 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसियंसेस अनटू द सुप्रीम लॉर्ड हरि द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ हूज होली नेम डिस्ट्रॉय ऑल सिनफुल रिएक्शन एंड द ऑफरिंग ऑफ ऑब्सेंस unto whom relieve us all material suffering। जिन कृष्ण भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं।
अस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। ये गीता का 18वें अध्याय का 69वां श्लोक है। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. भगवान के नामों को जो जोर जोर से लेता है, उच्चारण करता है, वो सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। भगवान कहते हैं कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा भक्त कोई भविष्य में होगा भी नहीं। आपन्नः संस्रति घोराम यन्नाम विवसो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यत विभेति स्वयं भयम्। ये श्लोक भागवत के प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का 14वां श्लोक है। लिविंग बींग्स हु आर इंटेंगल इन द कॉम्प्लिकेटेड मेस ऑफ बर्थ एंड डेथ कैन बी फ्रीड इमीडिएटली बाय इवन अनकॉन्शियसली चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा विच इज फियर्ड बाय फियर पर्सोनिफाइड। यह जीव जन्म और मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह जीव कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं वह भी भगवान से डरता है। भाई कुभाय अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिशि दसु हो रामास नेम इंश्योर मेंस अल्टीमेट वेलफेयर इवन इफ चांटेड फीलिंगली अनफीलिंगली एंग्रली और लेजली। अच्छे भाव से बुरे भाव से क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। Krishna
केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्ते गतिर्यन्यथा। ये श्लोक ब्रह्म नारदीय पुराण में लिखा है। द ओनली मीनिंगफुल एंड डिपेंडेबल थिंग इन द एज कॉल्ड कलयुग इज गॉड्स ओन नेम हरि। कलयुग में केवल हरि नाम ही सार्थक। कलयुग में इसके अलावा कोई भी दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। यन्नम धेय श्रवानानु कीर्तनात् यत् प्रहवनात् यत् स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादो अपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान् नु दर्शन। ये श्लोक भागवत के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 6वां श्लोक है। टू से नथिंग ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ पर्सन हु सी द सुप्रीम पर्सन फेस टू फेस। इवन अ पर्सन बोर्न इन अ फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स इमीडिएटली बिकम्स eligible to perform Vedic sacrifice if he once utter the holy name of the Supreme Personality of Godhead or chant about him, hears about his pastime, offer him obeisance or even remember him। भगवान आपके नामों का संकीर्तन या श्रवण करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल भी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है।
नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लब्धे सम्यकलौ केशव कीर्तना। इस श्लोक भागवत के महत्व का पहले अध्याय का 68वां श्लोक है। द रिजल्ट विच एल्यूड द पर्सन ऑब्जर्विंग पेनेंस योगा और समाधि आर इजिली अवेलेबल टू पर्सन हु डिपेंड ऑन नथिंग बट केशवास नेम चैंटिंग। जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। तपस्या, ध्यान, यज्ञ, पूजा आदि से जितने कार्य होते हैं वह सब सहज में नाम संकीर्तन से होते हैं। कलिम सभा जनत्या आर्या गुणज्ञा सार भागिनी यत्र संकीर्तनैव सर्व सर्वार्थो भिलभ्यते। ये श्लोक 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 36वां श्लोक है। Those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age of Kali. Such enlightened person worship Kaliyuga because in this fallen age all perfection of life can easily be achieved by performance of Sankirtan. कलयुग में केवल कृष्ण नाम संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। Rama, 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 Hare
यतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखये द्वापरः परिचर्यायाम कलौ तद्री कीर्तना। ये भागवत के 12वें स्कंद का 3रे अध्याय का 52वां श्लोक है। वट एवर रिजल्ट वॉज ऑब्टेन्ड इन सत्युग बाई मेडिटेटिंग ऑन विष्णु इन त्रेतायुग by performing yajnas and in dwapar yug by serving the lord's lotus feet can be obtained in kal yug simply by the chanting of hare krishna mahamantra। satyug mein bhagwan ka dhyan karne se, treta yug mein bade bade yagyon ke dwara उनकी आराधना करने से और द्वापर युग में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है वही फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कले दोष निधे राजन्नः अस्ति हय एको महान गुना कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजे। ये श्लोक भागवत के 12वें स्कंद का 3रे अध्याय का 51वां श्लोक है। माय डियर किंग, ऑल्दो कलयुग इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स, देयर इज स्टिल one good quality about this age, simply by the chanting of Hare Krishna Mahamantra, one can become free from all material bondage and be promoted to the transcendental kingdom। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, दोषों से भरा हुआ है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
वानम ग्रहणे सुकासी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नामना न भवेत चतुल्यम। ये श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। बी इट द डोनेशन ऑफ क्रोर काउस एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स इन काशी और एन अनब्रोकन स्ट्रे इन द मंथ ऑफ माघ इन प्रयाग फॉर अ होल कल्पा और 10,000 यजनास और चैरिटी इक्वल टू द वर्थ ऑफ गोल्डन माउंटेन सुमेरु दे कैन नेवर आउटवे द वर्च्यू क्रिएटेड बाय द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम। चंद्र ग्रहण में करोड़ों गौ दान दी जाए जो कि असंभव है, किंतु वो भी एक गोविंद के नाम के बराबर नहीं है। महा के महीने में प्रयागराज में एक कल्प तक निवास किया जाए, 10,000 वैदिक यज्ञ किए जाए, एक सोने का पर्वत सुमेरु भी दान में दिया जाए, तब भी इतना सब मिलाकर के भी ये भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर सकता। पशु पक्षी कीट भ्रंग बोली ते न पारे सुन ले हरि नाम तो तारे सब तरे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, इवन एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट एटसेट्रा विच हैव नो पावर टू स्पीक आर प्योरिफाइड व्हेन दे हियर रामाज नेम। पावर ऑफ रामाज नेम इज मैचलेस। कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर और अनंत जीवाणु और कुछ लोग जो हरिनाम संकीर्तन में आस्था नहीं रखते, ऐसे सभी प्राणी जब हरिनाम संकीर्तन सुनते हैं तो हरिनाम संकीर्तन की शक्ति उन्हें पवित्र कर देती है, क्योंकि हरि नाम की शक्ति अमोघ है। Oh,
राम प्रतापु भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू। इवन वाल्मीकि द फर्स्ट पोइट ऑफ संस्कृत अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग गॉड्स नेम। ही चैंटेड रामाज नेम इन द रिवर्स ऑर्डर एंड अटेंड प्योरिटी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रभाव को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप करके पवित्र हो गए। यम इदं परं गुहं मत भक्तोस्व भिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। गीता का 18वें अध्याय का 68वां श्लोक है। फॉर वन हु एक्सप्लेन दिस सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटेड एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को मेरे नाम का परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। नाम प्रभाव जान सिवनी को काल कूट फलुदीन अमी को। लॉर्ड शिवा knows the significance of chanting the God's name had the effect of changing poison to nectar in this case। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस नाम प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। द मोस्ट ट्रबल मैन गेट रिड ऑफ हिज अनश्योर माउंटेबल ट्रबल एज अ रिजल्ट ऑफ चांटिंग गॉड्स नेम। संकट से घबराए हुए भक्त नाम जाप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। ब्रह्म राम में नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिए जानी। रामास नेम इज ग्रेटर देन बोथ, द लिविंग रामा इज ऑल्सो द फॉर्मलेस गॉड। दैट्स व्हाई लॉर्ड शिवा हैज चूजन दिस नेम आउट ऑफ सो मेनी स्टेजेस ऑफ लॉर्ड रामास लाइफ। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है और वरदान देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार स्वरूप चुनकर ग्रहण किया है। नहीं कली करम ना भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इन कलयुग नाइदर एक्शन नॉट डिवोशन नॉट डिस्प्रेशन सपोर्ट्स मैन, ओनली रामास नेम सपोर्ट हिम। कलयुग में ना कर्म है ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है, नाम संकीर्तन ही एक आधार है। Oh,
हरे।